आप लोग जरूर कमेंट्स करना। होप सो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का DIY, आज का जो नुस्खा है बहुत ही अमेजिंग है। ये आपके बालों को काला भी करता है, बालों को सिल्की भी करता है, और सर्दियों के मौसम में अगर आप बालों की देखभाल कुछ इस तरह से करोगे ना फ्रेंड, आपके बाल लंबे भी होंगे। जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा डैंड्रफ से परेशान हो तो आज का रेमेडी बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड। इवन मुझे भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया था, और जैसे कि मैं बता दूं ठंडियों में, सर्दियों में जो होता है ना, हम बाल धोना बहुत कम कर देते हैं और ठंडी लगती है इस वजह से। बट ये अगर आपने मास्क लगा लिया आपके बालों को, एज अ मास्क कहूंगी इसे, एज अ सीरम कहूंगी, जो कहिए इसे, और ये वन टाइम में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इचिनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल काले नहीं होते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर से परेशान हो, बाल बहुत ज्यादा ड्राई लगते हैं, तो ये आप लोग जरूर यूज करना। वीक में एटलीस्ट सर्दियों का टाइम है तो दो बार आप लोग कोशिश करना इसे यूज करने के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, और इसे इम्प्लीमेंट करना और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देना ना भूलना फिर। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें लेना है दही। जी हाँ फ्रेंड्स, दही में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बालों से डैंड्रफ को हटा के हमारे स्कैल्फ को बहुत ही क्लीन साफ बनाता है फ्रेंड्स, और हमारे बालों का झड़ना भी बहुत हद तक कम हो जाता है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे सेकेंड इन्ग्रीडियंट यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, लेमन। सो लेमन जो होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, हमारे स्कैल्फ को हेल्दी बनाता है, और ये भी लेमन से भी डैंड्रफ ना बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर अप्लाई करना, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, कर्ल और लेमन का काम है कि हमारे बालों से डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो ये दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड। और अगर आपको सर्दी की शिकायत है ना फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ लेमन भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर स्कैल्फ पर मसाज करना है। हालांकि मैंने रात को ही ऑयलिंग कर लिया था, और यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर ये मसाज कर रही हूँ, मास्क लगा रही हूँ। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो उसे ये ऐड कर लीजिए, और अच्छी तरह से इसे हाफ़ एन आवर्स रख दीजिए, और उसके बाद वॉश करूँगी ना फ्रेंड्स। तो वन एप्लीकेशन में ही आप देखोगे कि आपके बाल जो है ना डैंड्रफ फ्री।